हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम लेकर आए हैं जर्दे की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 केजी बिरयानी चावल 1 से 2 घंटा भिगो के रखा है। अब हम जर्दे के लिए पानी को कौलाएंगे। यहाँ मैंने भगोने में पानी लिया है, अब हम उसको कौलने तक इंतज़ार करेंगे। देखिए पानी हमारा अच्छे से खौल चुका है। अब हम भीगे हुए चावल इसी में डाल देंगे। चावल यहाँ मैंने सारा डाल दिया है। अब हम इसको हल्का से चलाएंगे। अब ढककर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। चावल देखिए हमारा अच्छे से यहाँ पक चुका है। ये देखिए पक चुका है। अब हम इसको चावल को किसी छन्नी में पसा लेंगे। चावल को पसा लेंगे। ये मैंने देखी थोड़ा थोड़ा करके पसाया है, पूरा एकदम से भी डाल दें। यहाँ अब हम चावल और चीनी को मिक्स करेंगे। चावल थोड़ा थोड़ा डालें, फिर उस पर चीनी डालें। एकदम से चावल चीनी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। यहाँ मैंने 1 केजी चीनी ले ली है। चीनी और चावल को थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। किसी को मीठा कम पसंद है तो आप चीनी को कम भी कर सकते हैं। चीनी और चावल हमें थोड़ा थोड़ा ही करके लेना है। चावल मैंने पूरा डाल दिया है, अब इसको अच्छे से चला देंगे। यहाँ देखिए चीनी और चावल अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे सिझाएंगे। यहाँ देखिए चावल हमारा अच्छे से सिझ चुका है, चीनी भी अच्छे से गल चुकी है। बहुत अच्छे से चीनी हम रख डालते हैं तो पानी छोड़ देती है। देखिए अच्छे से पानी पूरा जल चुका है। देखिए चावल हमारा अच्छे से सीज चुका है। अब हम इसमें 1 बड़ी कटोरी रिफाइंड तेल डालेंगे। तेल यहाँ हमने सारा डाल दिया है। अब हम 8 से 10 छोटी इलायची डाल देंगे। छोटी इलायची डालने के बाद हम इसको 1 से 2 सेकंड ढक के रख देंगे। इससे इलायची का खुशबू अच्छे से जर्दे में आ जाएगा। 1 से 2 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसमें कलर डालेंगे। कलर आप जर्दे में पकने के समय भी डाल सकते हैं, पर हमने यहाँ 3 हिस्से में कलर डाला है, इसलिए मैंने पकने के समय कलर नहीं डाला था। मैंने सीजने के बाद ही कलर डाला है। यहाँ मैंने सबसे पहले मैंने पीला कलर डाला है। अब मैं यहाँ ऑरेंज कलर डाल ली हूँ। अब हमने यहाँ ग्रीन कलर डाला है। आप कोई सा भी जर्दे का कलर दे सकते हैं। यहाँ मैंने 3 कलर दिया है। अब हम यहाँ अपने हिसाब से आप काजू डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 छोटी कटोरी काजू डाल दिया है।
काजू डाल के हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद ही इसमें मावा डालेंगे। गरम में अगर आप मावा डाल देंगे तो पूरा जर्दे में गल जाएगा। जर्दा देखिए हमारा यहाँ अच्छे से ठंडा हो चुका है। यहाँ मैंने मावा लिया है, अब हम जर्दे में मावा डालेंगे। देखिए मावा यहाँ हमने डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही मावा डालेंगे। अब यहाँ हम धीरे धीरे चलाएंगे, सारे कलर को मिला देंगे। यहाँ देखिए हमारा यहाँ चार कलर हो गए हैं, वाइट को मिला के चार कलर हो गए। ज़रदा देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैंने चलाया है, पूरे अच्छी तरह से चलाइए, धीरे धीरे ही चलाइए। ज़्यादा तेज़ आप चला देंगे तो चावल आपके फूट जाएंगे, इस वजह से ज़रदे को हमें धीरे धीरे चलाना है। ये देखिए ज़रदा हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे कलर मिल चुके हैं अच्छी तरह से। ज़रदा तो कई तरह से बनता है, मैंने इसमें चार कलर दिए हैं ज़रदे में, इस तरह से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रदा देखिए यहाँ हमारा एकदम तैयार हो चुका है, अब ज़रदे को हम यहाँ सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक्स। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।